ये भाई ने हमें ये दे दिया, ये चेक करो, ये इसे क्या कहती हैं? क्या गोपा? पिंडी वाले कहते हैं गोपा, और ये जो बर्गर वाले होते हैं ना, समझ गए ना, वो कहते हैं गोपा। और जो ज्यादा बर्गर वाले होते हैं ना, वो ये कहते हैं कौन आटा आटा। प्रैंक करने के लिए रेडी है। आपका मिलाया हुआ नंबर इस पर जो आपका नहीं अस्सलामुअलैकुम। तो यार कैसे हो तुम सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होगे, मज़े में होगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। आज तुम्हारे भाई की थोड़ी सी तबीयत डाउन है, लेकिन मैंने कहा फिर भी हमने व्लॉग बनाना है, क्योंकि यार व्लॉग नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, तुम्हारा भी फिर सोचना होता है ना कुछ। तो यार सीन्स ऐसे हैं कि जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि कल मैं गया था शाजी भाई की तरफ, शाजी भाई ने मुझे इन्वाइट किया हुआ था। तो आज हम करने ये जा रहे हैं कि तुम लोगों ने कारपेट देखा होगा, कारपेट हमने बाहर रख दी है, और अभी हमने अपने रूम की सफाई करनी है। रूम की सफाई करने के बाद हम भी अपना रूम शैजी भाई की तरह डेकोरेट कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना, थोड़ी सी उसके अंदर लाइट इशू है, लाइट कम है, तो लाइट्स वगैरह भी मैं अभी बस जाता हूँ और चेक करता हूँ कि लाइट्स का क्या सीन है, ठीक है। तो बाकी पंखा वगैरह साफ करना है और ये कारपेट वगैरह साफ करके सोचूँ कि ये दोबारा ना डालूँ, क्योंकि मेकिंग फिर करनी होती है तो फिर बहुत ज़्यादा गंद, समझो ना, ये चेक करो, बहुत ज़्यादा गंद पड़ता है फिर। तो फटा भी है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, फटा वगैरह सारा सामान है। तो हम बस ये करेंगे कि फटा वगैरह रेडी कर लेंगे और फिर शैजी भाई को बुलाएंगे, उन्होंने अपने हाथ से फटा रखना है और पहला गुड़ा वही बनाएंगे, पहली मेकिंग वही करेंगे हमारे घर में आके, ठीक है। अच्छा, तो बस ये है कि यार आज हम जो है ना लाइट वगैरह सफाई वगैरह कर लेते हैं, कल हम लाइट वगैरह लगवा लेंगे सारी, क्योंकि तबीयत सेट नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा कॉलेज रोड लाइट्स वगैरह लेने, ये वो सारा सिस्टम तुम्हें पता है, फिर तबीयत ठीक होने ज़रूरी है। तो कल हम जाएंगे लाइट्स वगैरह लेने, और उसके बाद हमने ना फिर लाइट वगैरह लगा के, और जो एक दीवार पे हमारी एजेंसियाँ ना सेम आई हुई थी, तो उसका वॉलपेपर चेंज करना है, वॉलपेपर लगवाएंगे, ठीक है। वॉलपेपर लगवा के फिर हमने फटा बनाना है, फटा बना के फिर शाजी भाई को इनवाइट करेंगे, शाजी भाई को इनवाइट करने के बाद फिर वो खुद आएंगे अपने शुभ हाथों से मेकिंग करेंगे, पहला गुड़ा वो बनाएंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बसंत के लिए हम स्टॉक रेडी कर देंगे, ठीक है। तो बाकी ऐसा करते हैं कि तुम लोगों को मैं अपना रूम दिखाता हूँ सबसे पहले। चेक करो यार ये रूम है, बाकी सारी जो वॉल्स हैं ये तो ठीक है, ये चेक करो जो मेरी लाइट्स वगैरह ख़राब हुई हैं, खाली दो लाइट्स चल रही हैं यहाँ की, तो लाइट्स वगैरह भी यहाँ पर हम सही करवाएंगे। और मैंने यहाँ से सारा कूड़ कबाड़ गंद शंद सारा कुछ डाल लिया है, खाली ये पड़ा हुआ है क्योंकि सुबह मैंने इसके अंदर जब पानी लेके आया था तो धोया था, और उसके बाद यहाँ पे हम सोचें कि यार वॉलपेपर लगा लें या फिर जो है ना अच्छे अच्छे गुड्डे इस वॉल पे हम डेकोरेट करके लगा लें, या जो भी सिस्टम है यहाँ पे हमारा आ जाएगा, अंडर सीटिंग एरिया आ जाएगा, यहाँ पे हम जो है ना अपना फटा रख देंगे, तकरीबन है 6 तावे जितना फटा है, तो मतलब जिसके ऊपर ना 6 तावा ईजिली बन सके, तो यहाँ पर हम फटा रख लेंगे, यहाँ पर जो है सीटिंग एरिया वो कुर्सियों वाला रख देंगे, और फिर मतलब माशाल्लाह रूम ठीक है मेरा उस लिहाज से, तो देखते हैं अब क्या सिस्टम है क्या सिस्टम नहीं है। हमारे जो वॉल्स हैं उसके ऊपर ना मल्टी कलर हुए हैं, मतलब कि एक पे कुछ और हुआ हुआ है, एक पे कुछ और हुआ हुआ है, एक पे वॉल ग्रेस हुआ हुआ है, ये वो सारा सिस्टम। तो ऊपर जो सीलिंग लाइट होती है वो मुझे आप लोग जिनसेना सजेस्ट करो कि कौन सी लगवाएं हम, क्योंकि आज से पहले हमने कभी भी सीलिंग लाइट नहीं लगाई खुद, ठीक है। तो मुझे सजेस्ट करो कि यार वाइट लगाएं, ब्लू लगाएं, रेड लगाएं, कौन सी लगाएं। पर एक और बात यार है, जो इंसिडेंट हुआ था मेरे से मोबाइल खींचने वाला, वो ये सीन था कि यार जो डकैत थे वो यहाँ के ही थे, तो उनकी जब हमने FIR वगैरह दी, पापा की थोड़ी सी इस्लाम दुआ थी, तो ये वो सारा सिस्टम। तो वो कहते हैं कि यार अगर उन लोगों ने अभी तक फ़ोन के पार्ट्स सेल ना कर दिए हुए ना तो फ़ोन मिल जाएगा, अगर कर दिए हुए तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मुझे ना उसी दिन रात को तकरीबन 1-1.5 बजे कॉल आई पापा को कि आप आए, हमने लड़के पकड़े हुए हैं, तो ये फ़ोन है और लड़के चेक करें, यही लड़के हैं। तो पापा कहते हैं ठीक है हम चलते हैं, तो हम गए जब यहाँ से, तो आगे जा के देखा जी लड़कों का उन्होंने हमें फेस नहीं शो करवाया, लेकिन मोबाइल हमने जब देखा तो मैंने लॉक खोला तो भाई उसके ऊपर तकरीबन इन्होंने ना 54 मिनट का जो सा वो रिट्राई होता है ना वो आया हुआ था, फिर उन्होंने 1 घंटा हमें बिठा के रखा कि भाई आप हमें यहाँ से वेरीफाई करके जाओ कि आपका अपना मोबाइल है या नहीं। तो हम फिर 54 मिनट वहाँ पे 1 घंटा पूरा बैठे रहे, फिर उन्होंने हमारी खिदमत वगैरह की। बाकी ये है कि यार थैंक यू सो मच पुलिस वाले भाई जो भी थे, अगर आप वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो उन्होंने हमारा फ़ोन रिकवर करवा दिया, बस ये है कि थोड़ा सा हल्का सा स्क्रैच आ गया साइड पे जो पैनल होता है ऊपर, क्योंकि मेरे ख्याल में उनसे शायद गिरा है या जो भी हुआ है, तो लेकिन फिर भी मैंने पैनल चेंज करवाना था, पहले तो नहीं करवाना था क्योंकि मामा ने गिफ्ट किया हुआ था ये मुझे मोबाइल, तो अब इंशाल्लाह करवा लूँगा काफ़ी जल्दी। तो ये सीन है। बाकी यार काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार आपके पास क्लिप किधर से है, क्लिप यार मैं आपको बताता हूँ कि जब iCloud आईफोन यूज़र्स जो होते ना वो उनका होता है एक iCloud ID, ठीक है। iCloud ID जब वो दूसरे फ़ोन में डालते हैं ना तो तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद वो आ जाती है क्लिप, ठीक है।
काफ़ी लोगों की आ जाती है। और अगर मतलब अगर हम मोबाइल नया भी लेते हैं ना तो 3 से 4 घंटे तक ना आपका डाटा खुद ब खुद ही बैकअप हो जाता है। ये नहीं होता पहले व्हाट्सएप करो ये करो मोबाइल में करो ये करो वो करो, ठीक है। और अगर ना आए ना 3-4 घंटों बाद तो 24 घंटे बाद पक्का पक्का आ जाता है जो आपकी आई क्लाउड के अंदर चीज़ें होती हैं। अच्छा मतलब एक लिहाज से ना मुझे डाटे की टेंशन नहीं थी क्योंकि मेरा यूट्यूब सेफ था, मेरा चैनल इसके अंदर लॉगिन नहीं था क्योंकि मैं कभी भी इस मोबाइल के अंदर अपना यूट्यूब चैनल लॉगिन नहीं करता। और सारे भाइयों को सजेस्ट करूँगा कि अपने पब्लिक मोबाइल में यूट्यूब चैनल वो ना किया करें, ऑन ना किया करें, ठीक है। मेरा जो चैनल है वो ओपन है लैपटॉप पे मेरे, जिसके ऊपर मैं एडिटिंग करता हूँ, जहरी सी बात है, एडिटिंग करके वहाँ से ही अपलोड कर देता हूँ। A few moments later. अच्छा तो बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ पढ़ लिया। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद यार मुझे फैसल ने बताया कि बाहर ना स्टॉल्स वगैरह लगे हैं 14 अगस्त के लिए जो पेंटिंग वगैरह करती हैं। तो यार तुम्हारे लिए 14 अगस्त के लिए ना बहुत 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 बड़ा ना सरप्राइज़ है, और मेरी वजह से ना काफ़ी लोग खुश होंगे उस सरप्राइज़ की वजह से। तो वो जिन से है ना तुम्हारे लिए सरप्राइज़ ये, ठीक है। तो अभी चलते हैं बाहर जाकर टीटू पार्टी लगाते हैं, चेक करते हैं और कितने ज़्यादा स्टॉल लगे हैं और क्या सिस्टम है, बाजा कितने का, बाजा भी लेंगे फिर। हैं जी हाँ जी अभी भाई जी झंडिया दोने यार कितने यार तेरे से हम ऐसे ही लेने हैं फ्री हैं। ओए बाजा बड़े वाला कितने का, बड़े वाला बाजा समझ रहे हो बड़े वाला। ओए वो वाला पीछे जो लगा शारी भाई, बड़े वाला बाजा कितने का है? 450 का। 420 का हमारे लिए कितने का होगा भाई? हमारे साथ जा फ्री में दे देंगे। नहीं नहीं यार वो तुझे दुकान है मार रहा ऑफर, वो मुझे नहीं मार रहा। 1 2 3 4। अच्छा बताना मेरे लिए कितने का होगा? 8 9 10। तेरे लिए बोल ना इसके लिए कितने की है? इसकी दुकान है, मैं तो वैसे इसका है वो है ना। बताने यार मुझे मेरे लिए कितने का होगा बाजा? 400 की नहीं ना, तेरे जैसा दोस्त हो तो वो कहे यार फादी तू इसी तरह उतार के ले जा। ये कसम 1 रुपया भी कम नहीं करता। मैंने किसी काम करवाया? मैं तेरे पास आया हूं, मैं और किसी के पास नहीं आया। कितने की झंडिया ली है? 12 रुपए की 12। छोटी आप थोड़ा साइड पे होने से मैंने एक बात करनी है, गलत इधर आओ इधर आ यार। गाना निकाले हैं, चल तू बता कौन सा निकाले हैं। तू आ जाना गा, ठीक है गाना लिख सोना सा है, म्यूजिक म्यूजिक में एटीट्यूड वाला इंशाल्लाह। एटीट्यूड वाला है। मेरा नाम है हबीब खान, फुल रैप करेगा तू। बातों में क्या कर रहे थे? और बाबा जी फाइनली हबीब भाई ने, हम यहाँ पे बैठे थे, हबीब भाई ने हमें ये दे दिया, ये चेक करो, ये इसे क्या कहती हैं? कोपा। क्या? कोपा। कोपा खोपा नहीं, कोपा कोपरा कहते हैं। पिंडी वाले कहते हैं कोपा, और ये जो बर्गर वाले होते हैं ना, समझ गए ना, वो कहते हैं कोपा। और तू क्या कहता है? मुझे ज्यादा बर्गर वाले होते हैं ना, वो ये कहते हैं कोना टाटा। यार जिसने कोपा खाना है ना, और भी भाई की दुकान पे। 5 minutes later. प्रैंक करने के लिए रेडी है फिर? आपका मिलाया हुआ नंबर इस बार जवाब मौसम नहीं कर रहा। अच्छा बुराए मेहरबानी दोबारा कॉल मिला दो। ज्यादा डर गया, बहुत रामी हो तू। 1 minute 37 seconds late. तो यार बाबा जी अभी हम घर आ गए थे, ठीक है, मेरी बहन ने बनाई हुई थी चाय, ये चेक करो, चाय पी ली है और उसके बाद हमने खा लिया मैंगो ऊपर से, चाय के ऊपर से हमने ये चेक करो जी मैंगो भी खा लिया, साथ समोसे भी हमने खाए, और अभी मेरे ना हाथ भी गंदे हुए हैं। और किस्मत हो तो मेरे जैसी हो, चेक करो मेरे मैंगो का कलर कैसा था, ठीक है। और तुम्हें मैं अपनी बहन की बहन का मैंगो चेक कराती हूँ, ये चेक करो कच्चा मैंगो। तो बाबा जी आज का व्लॉग करते हैं हम यहाँ पर, एंड मुझे पता है कि यार आज तुम्हारे भाई की यार ज़्यादा तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ी सी ना टीटू पार्टियाँ नहीं लगी, लेकिन जितनी भी लगी एंजॉय करो, ठीक है तुम लोग। बाकी ये कि इंशाल्लाह यार कल हम रूम का भी करते हैं सिस्टम। और बाकी ये कि यार अगर कोई बात तुम लोगों को बुरी लगी हो तो माफ़ करना, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, और 5-6-7 बंदों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अभी बस जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने क्योंकि मगरिब की अजान हो गई है। बाकी इंशाल्लाह फिर आके व्लॉग एडिट करूँगा और फिर आपकी खिदमत में बांट दूँगा।
हाथ धो के एडिट करूंगा, वरना ये तुम लोग हाथ देख रहे हो, मैंने अभी मैंगो ही खाया है बस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओहो।